मीरा बाई की कथा। यूं तो कृष्ण भगवान की कई गोपियां हुआ करती थी, लेकिन कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम के कुछ अलग ही मायने थे। मीरा बाई भक्ति और प्रेम की एक ऐसी मिसाल मानी जाती हैं, जो उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण दर्शन के लिए समर्पित कर दिया। इसके बाद मीरा की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने की भी कोशिश की। उदाबाई ने अपने भाई राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ प्रेम संबंध है और उसने मीरा को उस व्यक्ति के साथ देखा है। ये सुनकर राणा बेहद क्रोधित हुए और आधी रात बहन उदाबाई के साथ मंदिर जा पहुंचे। मंदिर पहुंच कर उन्होंने मीरा को कृष्ण की मूर्ति के साथ अकेले ही बातें करते हुए देखा। ये देखने के बाद वह गुस्से से चिल्लाए कि मीरा, अपने जिस प्रेमी से तुम बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लेकर आओ। इसके जवाब में मीरा कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर कहती है कि ये मेरे स्वामी हैं, इनसे मेरा विवाह हो गया है। ये सुनने के बाद राणा का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह पूरी श्रद्धा से अपना पति धर्म निभाती है और आखिरी सांस तक मीरा का साथ देते हैं। मीरा का देवर विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ के नए राजा के रूप में चुना गया था। उनको कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और लोगों नहीं था। उन्होंने मीरा को मारने के लिए फूलों के हार की एक टोकरी भेजी, जिसके अंदर जहरीला सांप था। मीरा ने जैसे ही टोकरी खोल कर देखा तो उसने कृष्ण की एक खूबसूरत मूर्ति फूलों के हार के साथ पाई। इसके अलावा विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के लिए प्रसाद में भी जहर मिलाकर भेजा। मीरा जानती थी कि उस प्रसाद में जहर है, फिर भी मीरा ने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कृष्ण जी उनको जहर से बचा लेंगे। वे उनकी भावना को समझते हैं और वृंदावन से लौट जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद मीरा भी मेवाड़ लौट जाती हैं और अपने पति राणा से विनती करती हैं कि वह उन्हें कृष्ण के मंदिर में रहने की अनुमति दें। माना जाता है कि जन्माष्टमी के पर्व पर द्वारका में कृष्ण के मंदिर में मीरा कृष्ण से कहती हैं कि ओ गिरधारी, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? मैं आ रही हूँ। मीरा को ये कहते सुन राणा और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। माना जाता है कि कृष्ण को पुकारते ही मीरा में एक तरह का प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर के कपाट खुद से बंद हो गए। जब कपाट खोलते हैं तो मीरा की साड़ी कृष्ण भगवान की मूर्ति पर लिपटी हुई होती है, लेकिन मंदिर में मीरा नहीं होती, सिर्फ मीरा और उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। माना जाता है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।